बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की कुलीद यानी चाबी किसके पास है? दुरुस्त जवाब है बनू अब्दुद्दार। वाकिया मेराज का जिक्र कितनी सूरतों में हुआ है? दुरुस्त जवाब है दो। किसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं? दुरुस्त जवाब है बनी हाशम। यौमुन नहर कौन सा दिन है? दुरुस्त जवाब है 10 ज़िलहज्जा। इस दिन को कुर्बानी की जाती है, इसी वजह से इसे यौमुन नहर कहा जाता है। हज़रत मारिया किबतिया रज़ी अल्लाह ताला हन्हा का ताल्लुक कहाँ से था? दुरुस्त जवाब है इस्कंदरिया। मोहम्मद बिन कासम ने मुल्तान कब फतह किया? दुरुस्त जवाब है 85 हिजरी। रोज़े कौन सी हिजरी में फ़र्ज हुए? दुरुस्त जवाब है 2 हिजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गजबा कौन सा है? दुरुस्त जवाब है गजवा तबूक। इस्लाम में सबसे पहले मंजनीक कौन सी जंग में इस्तेमाल हुई? दुरुस्त जवाब है जंगे औतास। मंजनीक एक तरह की डिवाइस थी जिसकी मदद से दुश्मन के लश्कर पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। इसकी मिसाल आप आज के वक्त में छोटी गुलैल के साथ दे सकते हैं। यूँ तो ये बहुत बड़ी होती थी, लेकिन इसका फंक्शन करने का तरीका बिल्कुल गुलैल की तरह ही था। मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? दुरुस्त जवाब है सुवैद बिन सामत। जंगे कादसिया में इस्लामी लश्कर के सिपा सलार कौन थे? दुरुस्त जवाब है हज़रत साद बिन अबी वकास। खाना काबा में सबसे पहले बुलंद आवाज़ के साथ कलमा किसने पढ़ा? दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। बैतुल माल का क़याम किसके दौर में हुआ? दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर। पहले अमीरुल बहर कौन थे? दुरुस्त जवाब है अब्दुल्ला बिन कैस। अमीरुल बहर से मुराद लश्कर के वो अमीर हैं जो समुंदरी जिहाद में लीड करते हैं। इस्लाम के पहले परचमदार सहाबी कौन थे? दुरुस्त जवाब है हज़रत जाफ़र। हिजरत मदीना कौन से माह में हुई? दुरुस्त जवाब है रबीउल अव्वल। असल नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है मोहम्मद बिन इस्माइल। हदीसे जिब्रील का मौजू क्या है? दुरुस्त जवाब है ईमानियात। हदीसे जिब्रील एक मशहूर हदीस है जिसके अंदर सैयदना जिब्रील अमीन हुजूर के पास एक इंसानी शक्ल के अंदर आए थे। मिश्कात शरीफ और दीगर कुतुब की शुरू में ये रवायत मौजूद है। हज़रत आयशा से मरवी अहादीस की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब है 2210। खिलाफत राशिदा में किस खलीफा का दौरानिया सबसे ज़्यादा है? दुरुस्त जवाब है हज़रत उस्मान गनी। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितनी बार इस्मे गिरामी आया है? दुरुस्त जवाब है 136 बार। हज़रत बिलाल को किस सहाबी ने ख़रीद कर आज़ाद किया? दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। ग़ज़वा बदर के शहदा की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब है 14 यानी 14। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहा जाता है? दुरुस्त जवाब है सूरा रहमान। एलानिया गुनाह कबीरा करने वाला क्या कहलाता है? दुरुस्त जवाब है फासिक। मशहूर फरिश्तों की तादाद कितनी है? दुरुस्त जवाब है 4। पुराना अहदनामा की पहली किताब का नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है पैदाइश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल को दीन की कोहान करार दिया? दुरुस्त जवाब है जिहाद। अजान में अल्लाहु अकबर कितनी बार आया है? दुरुस्त जवाब है 6 बार। ज़ुल्करनैन का जिक्र कौन सी सूरत में है? दुरुस्त जवाब है सूरतुल कहफ़। ग़सीलुल मलाइका किसका लकब है? दुरुस्त जवाब है हज़रत खंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हिजरत मदीना में रास्ता बताने के लिए कौन मुकर्रर था? दुरुस्त जवाब है अब्दुल्ला बिन उरीकत। कान से निकलने वाली दौलत पर क्या वसूल किया जाता है? दुरुस्त जवाब है हुमस। कुरान मजीद में किस चीज़ को जुल्म अजीम कहा गया है? दुरुस्त जवाब है शिर्क।
कर्नुल मनाजिल किन लोगों के लिए मीकात है? दुरुस्त जवाब है अहले नजद। कारोबारी बददियानती के सबब किस पैगंबर अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब उतरा? दुरुस्त जवाब है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम वाले लोग नाप तोल के अंदर अक्सर बेशतर कमी किया करते थे। ख़वातीन के लिए ज़ेबो ज़ीनत छुपाने का हुक्म कौन सी सूरत में है? दुरुस्त जवाब है सूरह नूर। हिजरत मदीना कौन से महीने में हुई? दुरुस्त जवाब है रबीउल अव्वल।